नमस्कार साथियों, मैं हूं मोहन परियार। और हम प्याज के जो नई तकनीक है कि रोपा बनाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट सीड सोइंग किया जाता है और उसी से प्रोडक्शन लिया जाता है। तो वो मशीन आई है और उस मशीन जिस गांव से आई वो भी एम्प्लॉय भी हमारे साथ हैं। तो हम ये जानेंगे कि ये मशीन कैसे काम करती है, कितनी दूर भी पौधे लगेंगे, पंक्ति से पंक्ति की दूरी क्या रहेगी, पौधे से पौधे की दूरी क्या रहेगी, और ये बीज बारीक बीज को कैसे डाल पाती है। तो हम इसको बारे में पूरी डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले और सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम आगे बातचीत कर पाएँ। तो ये मशीन आपको लाने की मतलब आपको कहाँ से जानकारी मिली कि लाएँ? हमको मिले बुरहानपुर साइड से। बुरहानपुर से आई? तो बुरहानपुर साइड कब कब देखने गए थे? ये हमारे अंकल जी गए थे। अच्छा, अंकल जी तो देख के आए थे उधर से, उनको जमी। हाँ, फिर एक कार्डर दिया जाए। अच्छा अच्छा, ये जलगांव से। जलगांव से आई? तो आप कौन से गांव से हैं? बमन गांव। बमन गांव से है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये सनावत के 10 किलोमीटर उधर है। सनावत के 10 किलोमीटर सराउंडिंग है ये। और आप अगर जानकारी बढ़वा के क्षेत्र के आजू बाजू है तो तलाश कर सकते हो। और अगर इंडिया के किसी और कोने से है तो बुरहानपुर और आपके जहाँ प्याज लगते हैं वहाँ पे इसी मशीन को ला के और आप इसका सोइंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पाटीदार मामा जी हैं, इनको गांव में पाटीदार मामा के नाम से ही जानते हैं। तो इन्होंने पहला ये नांदिया का प्लाट डल रहा है ये प्याज में बढ़वा क्षेत्र में। तो इनसे भी जानेंगे कि आपको कैसे ये प्रेरणा मिली कि इसी से हम करें, कहीं देखा क्या कुछ? हाँ, बस मैंने भी इनके यहाँ जाके देखा। अच्छा। और प्याज व्याज उगने का एक बार सोइंग देख के आया। हाँ। फिर उसके बाद उगने तक उसका इंतजार किया 20 से 25 दिन। फिर हाँ। उगी हुई फसल को देखने गया। हाँ। और वो बढ़िया लगी। अच्छा। तो मैंने सोचा कि अपन भी एक बीघे में इसका टेस्ट करें। हाँ हाँ। तो ये देखा कि दूरी समान थी? हाँ, दूरी बिल्कुल समान थी। 4 इंची लाइन से लाइन की दूरी और 3 से 2.5 इंची के आसपास पौधे से पौधे की दूरी देख सकते किसान भाइयों, दूरी समान है। और इससे होगा क्या कि आपको देखो, पौधा उखाड़ते नर्सरी से लाते हैं, फिर उसको लगाते हैं, तो 8-10 रोज का जो फसल का अंतर है तो उसका आपका फायदा हो जाएगा जमीन का। क्योंकि लाते हैं फिर वही डिस्टेंस उसको छुपाई करो तो वो हो जाएगा आपको फायदा। और बाकायदा सिस्टमेटिक दूरी अगर बराबर है, प्लांट टू प्लांट अगर दूरी बराबर है तो प्रोडक्शन बढ़िया आएगा। क्योंकि हाथ मशीनरी ऑलरेडी ज़्यादा बेटर काम कर पाती है हमसे, जो क्योंकि हम डालते हैं तो कुछ तो दूरी गड़बड़ा जाती है। बस इतना ही साथियों, और अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो आपको क्या करना है आपको पता ही है। और बस इतना ही जानकारी छोटी सी थी। जय हिंद।